आमदार निधीतून बनलेला रस्ता निकृष्ट दर्जाचा, नागरिकांनी केली तक्रार। पुसद शहरातील श्रीरामपूर ग्रामपंचायत मधील वार्ड क्रमांक 5 मध्ये आमदार निधीतून बनविण्यात आलेला रस्ता हा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा बनविल्याने तेथील नागरिक संतप्त झाले आहे। सविस्तर माहिती अशी की पुसद शहरातील श्रीरामपूर ग्रामपंचायत मधील वार्ड क्रमांक 5 मध्ये माननीय आमदार श्री इंद्रनील नाईक यांचे 2515 स्थानिक विकास निधी या योजनेअंतर्गत रामरहीम नगर अमजद खान यांचे घरापासून ते बंटी खान यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे। सदर रस्ता हा 8 लाख रुपये खर्च करून बनविण्यात आला आहे, परंतु सदर रस्ता हा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा बनविण्यात आला असून एका पावसातच सदर रस्ता वाहून गेला आहे। सदर रस्ता हा एमबी रेकॉर्ड नुसार बनविण्यात आला नसल्याचे तेथील नागरिक म्हणता आहे। याबाबत तेथील नागरिकांनी माननीय गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पुसद यांच्याकडे रितसर लेखी तक्रार दिली आहे व संबंधित रस्ता बनविणाऱ्या कंत्राटदाराचे बिल देण्यात येऊ नये अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे। ये रोड जो है मनोहर नाईक मनोहर भाऊ के जन्मदिन पे हमको मिला आला था। 9 लाख रुपए का रोड है ये। श्रीरामपुर के सदस्य दिनेश राठौड़ ने काम करा है, लेकिन ये 3 महीने के अंदर पूरा रोड फूट गया। इसके जिम्मेदार कौन है? हम यायती भाव के पास गए थे, यायती भाव को हमने सब बताए थे, लेकिन यायती भाव ने ठेकेदार को बोले थे, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बात कान पे लिया नहीं, कान पे लेके छोड़ डाला और वो 2 दिन से आया नहीं, यानी यायती भाव की बात को उसने ठुकरा दिया। तो आप हम किसके पास जाना है? यायती भाव हमारे सब कुछ है, लेकिन उनका कहना ठेकेदार ने माना था, हमने आज छोड़ डाली करके हमने न्यूज वालों को बोला कि हमारी समस्या जो है, हमारी मजबूरी जो है, उनको बताने का सलाह पूरा रोड बताए, पूरा हकीकत बताए, उप विभागी में हमने तकरार दिए। अब हम ये देखना चाहते कि आप सच क्या है, सच के सामने सच हम बताना चाह रहे लोगों को, लेकिन आप हमारी मदद कौन करेगा? शासन करेगा, आमदार करेंगे, कौन करेगा? ठेकेदार तो ऐसे है कि ना वो आ रहे ना सुन रहे, किसका इनका काम होगा करके ये मोकले हो गए। रोड कब बनाओ? रोड बनाए हमारे रमजान महीने में रोड बना भैया। कितने महीने हो गए रोड बन के? 3 महीने हो गए। 3 महीने पूरा फूट गया? पूरा 3 महीने में खत्म होगा। ज्यादा अगर 2-3 घंटे का समझो अगर पानी आया तो इनके समझो हमारे को तख्ते उठाना पड़ेगा, घरों में कपड़े धोने का से तख्ते लाना पड़ेगा, उठा उठा के सब लेके चल जाएंगे, फिर जैसी की उसे हो जाएगा। फिर मनोहर भाव के नाम से हमारे 9-9 लाख रुपए देने के बावजूद ये ठेकेदार इस तरह का अगर काम करेंगे, इनके साथ रह के इनके साथ ऐसा काम करे तो फिर हम जाना किसके पास? और रोड एमबी के रिकॉर्ड के अनुसार हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। इंजीनियर का तो नाम पता नहीं, इंजीनियर कहाँ है मुझे तो मालूम ही नहीं, किसने कौन सा इंजीनियर है क्या है। इंजीनियर तो जब से रोड बना एक बार भी इंजीनियर आए नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हालांकि इनके पानी के पैसे मैंने इतने बचाए कि इनके टैंकर मैंने टैंकर नहीं आंदे यहाँ पे, हमारे सब मोहल्लों से हमने बोरों के पानी का इसका उसका उनका सामान उनका सीमेंट उनकी रेती की सबकी हिफाजत करा, लेकिन ये क्या हमको सिला ये मिला? 3 महीने में रोड फूटे ना, ये बहुत नाइंसाफी की बात है। हम यायती भाव से बहुत आस लगा, यायती भाव ने कुछ तो भी ठेकेदारों का काम कर रहे हो ना।